सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज मैं जेसी करसोग आया हूँ ग्रुप टू की प्रैक्टिस करने। तो हम जा रहे हैं ग्रुप टू के लिए मंगलवार को। तो इस लिए हमारे जो नए साजबाज है वो भी आ चुके हैं। हम दिखाएंगे आपको कि हमारे जो साज है वो क्या क्या आए हैं और क्या क्या नहीं। तो आइए फिर देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये जो है हमारे नए नगाड़े आ चुके हैं, तीन नगाड़े। इनका नाम है जगत जी, जिन्होंने ये हमारे नगाड़े जो है ले आए हैं। तो इनका एक फ़ोटो लेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये देख सकते हैं आप हमारे नगाड़े नए, बिल्कुल एकदम चकाचक। आप देख सकते हैं जी हमारे चकाचक करके नगाड़े आ चुके हैं। तो नए नगाड़े आने की खुशी में यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। और जो ढोल है वो कुछ ही देर में आएगी, तो आपका ढोल का भी रिव्यू देंगे कि कैसे कैसे जो है हमारे न्यू साज है। बहुत ही अच्छा बीच में जो आप देख रहे हैं इसको नरसिंगा बोलते हैं, प्राचीन समय में रणसिंगा भी बोलते थे। और ये देखिए बड़ा ही शानदार नज़ारा। और ये हमारे इसके पीछे के मनमोहक शानदार और महान कलाकार जो इसको बजाएंगे आने वाले समय में, और बजा भी रहे हैं। और बीच में हैं हमारे आदरणीय श्री बालकराम जी। तो आइए अब इनसे बातचीत का सिलसिला भी आगे बढ़ाते हैं। आज ये हमें करसोग कॉलेज के जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हैं ये हमें प्राप्त हुए हैं। कुछ है किसमें हमारे हैं, कुछ देवी देवताओं के अन्य मंदिरों से लाए गए हैं, लेकिन फिर भी बड़ा ही मुबारक मौका है। आप देखिए एक शानदार सा एक लुक मैं आपको दे देता हूं। आपको सही आप देख सकते हो आज हमारे कॉलेज में जो इतने सारे साजबाज उपस्थित हैं, और जो कि हमने इधर उधर से भी लाए थे, मौनाग से लाए थे, और हमने जो है पालीनाग से भी लाए थे, और हमारे खुद के जो कॉलेज के हैं वो भी हमारे आज जो है आ चुके हैं। तो सर बातचीत कर रहे हैं कि कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहा उनका और इनको बजाने का। चलिए देखते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या
सवाल है और देखते हैं और पूछते हैं इनको, ठीक है। आने वाले समय में यानी इसी साल से आने वाले समय तक जो नगारा प्लेयर हैं उनमें से एक नगारा प्लेयर सबसे पहले मैं बात करूंगा मितुल के लिए, जोरदार तालियां। सबसे पहले मैं अपने दोनों गुरुजी का धन्यवाद करता हूँ, श्री बालकराम जी और श्री ऋषभ भारद्वाज जी का। तो सर जैसे कि आज हमारे नगारे डोल यहाँ पहुँचे तो हमें बहुत खुशी हुई है, तो हमारा तो अभी पहली साल है जी। तो बाकी सर जैसे कॉलेज के नगारे हैं सर बहुत बहुत बढ़िया है, तो सबका एक्सपीरियंस तो सर आप जानते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ पूछूंगा मितुल आपसे, क्योंकि आप एक स्टूडेंट भी और बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स में से एक हैं, जितने भी नगारे आपने आज बजाए खास तौर पे हमारे जो अपने नगारे हैं कॉलेज के जो हमारे अपने बन के आए हैं, आपका क्या अनुभव रहा है? सर बढ़िया नगारे हैं, बिल्कुल A1 नगारे हैं। अब क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को ही बजाने हैं तो जाहिर सी बात है अब आपके हवाले होंगे। सर बहुत बढ़िया है सर, मजा आया आपको? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रणसिंगा है, नरसिंगा है, ये आपका करनाल है सर, जैसे सर नरसिंगा सर और हमारे सो के देवी देवताओं के जैसे ढोल यहाँ पे श्री मूल माऊना जी का और माऊना के भाई जो पाली नाग है उनकी उनकी करनाल है और हमारे शेरी के प्रसिद्ध नाग धोनी शेरी जी के नरसिंगे है, हमारे देवी देवताओं का भी हमारे साथ साथ के लिए बस यहाँ पे दर्शकों में एक चीज बड़ी आपसे कहना चाहूंगा वो ये कि देखिए भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ऐसी कहावत है। इतने दिनों से हमें नगारे नहीं मिल रहे थे, हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज देखिए अपने नगारे भी आए दूसरे भी हैं और छप्पर फाड़ के काम चला हुआ है क्या बात है। और जैसा कि मितुल ने वाकई में बहुत अच्छी बात बोली मितुल की, पालीनाग जी से कोई चीज़ आई, महोनाग जी से कुछ आया है, शेरीनाग जी से कुछ आया है और इस बीच में हमारा अपना भी आया है और ये बड़ी बात है ना, कि मतलब हमारे सारी चीज़ें भी इस वक्त पे आई हैं और ये ऐतिहासिक क्षण है, हम सब इसके गवाह बन रहे हैं यहाँ पे, तो हम सब देख रहे हैं इस चीज़ को। और आइए बात करते हैं हमारे ही टीम में से एक और जो कि हमारे साथ हैं, डोलीराज। डोलीराज आप जैसा कि हम जानते हैं आप दमामा बजाते हैं, तो आपका डांगा मारने का दमामा बजाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा है, मुझे मेरे जो गुरु है बालकराम जी ये बहुत गाइड करते हैं मुझे कि कहाँ से आपने ऐसे बजाना है, कहाँ से आपने ऐसे बजाना है, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा। अच्छा सर की छत्रछाया में बहुत अच्छा अनुभव रहा है, आगे भी इनकी कृपा बनी है, ऐसे ही बनी रहे। चलो कृपा ईश्वर की भाई मेरी नहीं, लेकिन फिर भी एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि आप NSS वॉलंटियर भी हैं और बहुत ही अच्छे वाले आप स्टूडेंट हैं NSS के, NSS में रहते रहते भी आपने बहुत से अनुभव किए होंगे और किए भी हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन अभी आप संगीत विभाग से भी जुड़े हैं हाल फिलहाल से काफ़ी मामलों में, क्योंकि आप बजा भी रहे हैं हमारे साथ में, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो ये वाला एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा NSS के अलावा? बहुत अच्छा सर, इसमें मतलब जो हमारा एक कोऑर्डिनेशन बन गया है म्यूजिक वालों के साथ वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा है। अच्छा आपको इन नगारों को देख के मजा आया? बहुत सर, खास तौर पे अपने नगारे अपने नगारे क्या बात है। चलिए दर्शकों अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो हमारे नगारा टीम के सदस्य हैं, मैं रोहित से गुजारिश करूंगा कि वो आगे आए। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारी बातचीत चल रही है हमारे इन लोक वाद्य यंत्रों को लेकर के, आज कसो कॉलेज ने अपने संगीत विभाग के लोक वाद्य यंत्र जो है प्राप्त कर लिए हैं और इस मौके पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे महाविद्यालय हमारे गवर्नमेंट कॉलेज कसो के जो प्रिंसिपल साहब हैं आदरणीय डॉक्टर गुलशन महाजन सर, यदि वो ना होते तो आज ये साज भी ना होते, उनकी पूरी पूरी जो है कोऑपरेशन रही है, पूरा पूरा जो है हमारे साथ साथ रहा है और उन्होंने हमें पूरी पूरी हेल्प की है इन नगारों को लेने में और भी संगीत विभाग के लिए उन्होंने बहुत हेल्प की है, तो हम सभी की ओर से आपका धन्यवाद सर कि आपने हमें इतना हेल्प किया है और बालकराम सर भी आपका थैंक्स करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन सर, आपकी अनुमति हमें मिली और आगे। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा गुलशन सर कि आपका जो प्यार और आपका जो साथ है वो हमेशा हमारे ऊपर ऐसे बना रहे, हम कसो कॉलेज का मिलकर के झंडा बुलंद रखेंगे। जय कसो कॉलेज, जय ममलेश्वर महादेव, धन्यवाद।